एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज मैं एक साधारण किसान हूँ, बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे कि मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न होने लगे। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृतत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज ना बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से जो तुम्हें फल प्राप्त होंगे वो वाकई साधारण ना होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु तब तो मुझे अवश्य बताएं कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं। बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बोओ, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और नम्रता का अवरक डालो, इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल सद्विचारों के साथ प्राप्त किया जा सकता है। दिस इज डेयर टू इंस्पायर।